अंदर। आज एक ऐसी मूवी के बिहाइंड द सीन्स के बारे में बात करने वाले हैं जो रिलीज तो 2014 में हुई लेकिन स्टोरी लाइन इतनी बेस्ट है कि 2023 में रिलीज होने वाली हाई बजट की मूवीज भी इस मूवी की पॉपुलैरिटी को टच तक नहीं कर सकती। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय सिनेमा चैनल। अगर आप भी पीके मूवी के फैन हो या बिहाइंड द सीन्स देखना पसंद करते हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, इस वीडियो को एंड तक पूरा देखने पर ही आपको पता चलेगा कि पीके मूवी की शूटिंग कैसे हुई, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आपको मूवी का कार डांसिंग वाला सबसे इंटरेस्टिंग और फनी सीन तो याद ही होगा, जिसमें पीके यानी आमिर खान डांसिंग कार के पास आता है और कपड़े चोरी करके ले जाता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि डांसिंग कार को हिलते हुए दिखाने के लिए किसी भी टाइप के VFX का यूज नहीं लिया गया था, बल्कि मैन्युअली ही इस वाले सीन को शूट किया गया था। इस वाले सीन के लिए 40 कार्स को एक जगह खड़ा किया गया और डांस वाला मूवमेंट देने के लिए 10 पहलवान आदमियों के द्वारा कार को हिलाया गया था, जिससे कार डांसिंग कार में कन्वर्ट हो जाती थी, यानी कार हिलने लगती थी। आपको बता दें कि डांसिंग कार वाले सीक्वेंस के लिए बहुत सारे टेक लिए गए थे। आप इस वाले सीन का बिहाइंड द सीन और फाइनल आउटपुट स्क्रीन पर देख सकते हैं। पीके मूवी में बहुत सारे सीन्स को मूवी के साथ ऑफिशियली रिलीज नहीं किया गया था। आप पीके मूवी का कार डांसिंग वाला एक डिलीटेड सीन स्क्रीन पर देख सकते हैं। कुछ और सिग्नल तो दीजिए, थोड़ी हिलिए डुलिए, कुछ तो बोलिए। आपको यह वाला सीन तो याद ही होगा जब पीके डांसिंग कार से कपड़े चुरा के एक गांव में जाता है और सब लोग पीके के कपड़ों का मजाक उड़ाते हैं। आप आमिर खान को इस वाले सीन की शूटिंग करते हुए स्क्रीन पर देख सकते हैं। शूटिंग के टाइम मूवी के डायरेक्टर राजकुमार हिरानी आमिर खान से खूब सारी मस्ती करते हुए ओवर एक्टिंग की बात बोल देते हैं। आप इस मस्ती को स्क्रीन पर देख सकते हैं। कट कट कट, अरे बहुत ओवर एक्टिंग हो रहा है। यह वाला बिहाइंड द सीन उस टाइम का है जब पीके पहली बार राजस्थान के एक गांव में घूम रहा होता है और एक बार्बर यानी नाई के पास बैठ जाता है। जैसे ही पीके बार्बर के बम में कपड़े घुसे हुए देखता है तो उसे लगता है कि फैशन में कुछ गड़बड़ी है। उसे ठीक करने के लिए वह उस घुसे हुए कपड़े को बाहर निकाल देता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस वाले सीन को परफेक्ट बनाने के लिए बम में कपड़े को अच्छे से घुसाया गया था। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। मूवी में यह वाला सीन बहुत ही ज्यादा फनी फील होता है। आप इस वाले सीन के लिए आमिर खान को बार बार रिटेक लेते हुए स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको याद ही होगा कि मूवी में पीके का पहली बार इंट्रोडक्शन राजस्थान में ही कराया जाता है, जब पीके अपने स्पेसशिप से उतर के जमीन पर आता है। आपको बता दें कि इस वाले सीन में स्पेसशिप को CGI और VFX की हेल्प से ही क्रिएट किया गया था। यह वाला बिहाइंड द सीन उस टाइम का है जब पीके के स्पेसशिप वाले रिमोट को एक आदमी छीन के भाग जाता है और इसके जस्ट बाद पीके का ट्रेन वाला एक सीन दिखाया जाता है। इस वाले सीन को राजस्थान के सांभर गांव के रेलवे ट्रैक पर शूट किया गया था। आप आमिर खान को ट्रेन के पीछे भागने वाले सीन की शूटिंग करते हुए स्क्रीन पर देख सकते हैं। मूवी के पीके का करेक्टर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि आमिर खान को पीके बनाने के लिए क्या क्या किया होगा? सबसे पहले आपको बता दें कि पीके मूवी में कैसा दिखने वाला है। इसके लिए एक लुक टेस्टिंग की गई, जिसमें यह डिसाइड किया गया कि पीके के बाल, आंख, कान कैसे दिखेंगे, क्योंकि पीके वाले करेक्टर एक एलियन था। तो आप पीके के लुक वाले टेस्टिंग को स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह थी कि मूवी में जितने भी पीके के कॉस्ट्यूम आपने देखे होंगे वो सब किसी दूसरे के कपड़े थे। मतलब पीके की टीम को कहा गया कि जिस भी इंसान के कपड़े आपको अतरंगी लगे उन कपड़ों को उनसे ले आओ और उन कपड़ों के बदले उन्हें नए कपड़े दिला दो। आप पीके वाले कैरेक्टर के कॉस्ट्यूम वाले लुक को भी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद पीके का फाइनल लुक टेस्ट लिया गया, जिसमें फेस के एक्सप्रेशन को थोड़ा चेंज किया गया। मूवी में जगत जननी का कैरेक्टर अनुष्का शर्मा ने प्ले किया है। आप अनुष्का शर्मा को जग्गू वाले कैरेक्टर को टेस्टिंग लुक देते हुए स्क्रीन पर देख सकते हैं।
ऐसे टुकर टुकर का देख रहे हो? पहचाने नहीं क्या हम का? हम अनुष्का हूँ अनुष्का। आपको मूवी का ट्रेन वाला सीन तो याद ही होगा जब ट्रेन ब्लास्ट हो जाती है। इस वाले सीन में ब्लास्ट को दिखाने के लिए एक फोटो का यूज लिया गया था जिसकी हेल्प से एक सीजीआई वाली ट्रेन बनाई गई थी और ब्लास्ट के लिए वीएफएक्स का यूज लिया गया था। आप इस वाले सीन का वीएफएक्स ब्रेकडाउन स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं मूवी के एक रोमांटिक गाने की। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस गाने के लिए एक रिचार्जेबल डांस की जरूरत थी, तो इसके लिए एक अनाउंसमेंट की गई कि कोई भी अपने एनर्जेटिक डांस की एक वीडियो बना के सेंड कर सकता है। लेकिन मूवी के डायरेक्टर राजकुमार हिरानी को सारे डांस मूव गाने के अकॉर्डिंग फिट नहीं लगे। फिर राजकुमार सर ने खुद एक स्टेप करके बताया और वो स्टेप इस गाने के लिए फाइनल कर लिया गया था। आप इस गाने के बिहाइंड द सीन स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस गाने की शूटिंग दिल्ली की फेमस लोकेशंस पर की गई थी। भोजपुरी लैंग्वेज में थे। इस लैंग्वेज को सिखाने के लिए एक लैंग्वेज स्पेशलिस्ट शांति भूषण को बुलाया गया था जो आमिर खान को भोजपुरी लैंग्वेज सिखाने में हेल्प करते थे। 4 महीने तक आमिर खान को भोजपुरी लैंग्वेज की ट्रेनिंग दी गई। आप आमिर खान को जेल वाले एक सीक्वेंस की शूटिंग करते हुए स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको बता दें कि सुशांत सर ने इस मूवी में एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर प्ले किया है। मूवी की स्टार्टिंग में अनुष्का शर्मा और सुशांत सर की एक शानदार केमिस्ट्री दिखाई गई थी और मूवी की स्टार्टिंग में ही एक बेस्ट चार्मिंग और रोमांटिक गाना देखने को मिलता है। आपको बता दें कि इस गाने की शूटिंग बेल्जियम के ब्रुज सिटी में की गई थी। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस गाने की शूटिंग से पहले ही डमी रिहर्सल कर ली गई थी। आप मूवी के डायरेक्टर को इस गाने के लिए शूट करते हुए देख सकते हैं। इसके बाद डमी सीन्स के अकॉर्डिंग सुशांत और अनुष्का वाले फाइनल सीन शूट किए गए जिन्हें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब बात करने वाले हैं ठरकी छोकरों वाले गाने की। इस गाने में आपने संजय दत्त और आमिर खान को इस राजस्थानी गाने पर डांस करते हुए देखा होगा। आपको बता दें कि इस गाने को राजस्थान में ही शूट किया गया था और गाना राजस्थानी था इसलिए राजस्थानी कॉस्ट्यूम का ही यूज लिया गया था। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस गाने को अजय अतुल ने कंपोज किया और इस गाने को राजस्थान के फेमस सिंगर स्वरूप खान से सिंग करवाया गया था। इस गाने को फेमस कोरियोग्राफर गणेश आचार्य ने डायरेक्ट किया था। आप संजय दत्त और आमिर खान को इस वाले गाने के लिए डांस करते हुए स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको बता दें कि मूवी की मैक्सिमम शूटिंग रियल लोकेशंस पर ही शूट की गई थी, लेकिन कुछ सीन ऐसे थी जहां रियल लोकेशन पर शूट करना पॉसिबल नहीं था क्योंकि इतनी भीड़ के साथ किसी भी एक्टर की शूटिंग पॉसिबल ही नहीं है। तो इसके लिए एक ग्रीन स्क्रीन पर कुछ सीन शूट किए गए और उन्हें भीड़ वाले इलाके के साथ मर्ज कर दिया गया था। आप इस मूवी के कुछ सीन्स का वीएफएक्स ब्रेकडाउन स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको यह जानकर थोड़ी हैरानी होगी कि मूवी के डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने 3 Idiots के बाद ही इस मूवी की स्क्रिप्ट पर काम करने स्टार्ट कर दिया था। मूवी के टाइटल को पहले टल्ली रखा गया था, बाद में चेंज करके एक था टल्ली रखा गया, लेकिन बाद में लगा कि यह टाइटल एक द टाइगर से मिलता जुलता है तो मूवी का फाइनल टाइटल PK रख दिया गया था। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस मूवी को 85 करोड़ के बजट पे बनाया गया था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे 770 करोड़ के करीब की ताबड़तोड़ कमाई की थी। इस ब्लॉकबस्टर मूवी के पीछे मूवी के डायरेक्टर राजकुमार हिरानी और उनकी टीम का डेडिकेशन साफ दिखाई देता है। साथ ही साथ आमिर, सुशांत और अनुष्का की परफॉर्मेंस मूवी को एक मास्टरपीस मूवी बना देती है। तो अगर आपको ऐसे ही बिहाइंड द सीन्स देखना पसंद है तो माय सिनेमा चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।